अहमदाबाद भारत के गुजरात राज्य का एक प्रमुख औद्योगिक शहर है। अहमदाबाद शहर को भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। ऐतिहासिक तौर पर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अहमदाबाद एक प्रमुख केंद्र बना था, क्योंकि इसी शहर में महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े अनेकों आंदोलन की शुरुआत जो है वो इसी अहमदाबाद से की थी। आज के समय में अहमदाबाद व्यापार के क्षेत्र में काफी ज्यादा विकसित हो रहा है। शहर की लगभग आधी आबादी जो है वो सूती वस्त्र उद्योग तथा लघु उद्योग पर आश्रित है। लगभग 464 वर्ग किलोमीटर की क्षेत्रफल में फैले अहमदाबाद शहर की जो कुल आबादी है वो 55,77,000 है। दोस्तों, जाति धर्म के आधार पर अहमदाबाद जिला में 81% हिंदू तथा 14% जो है मुस्लिम धर्म के लोग निवास करते हैं। अहमदाबाद शहर की मुख्य नदी का नाम साबरमती नदी है। साबरमती नदी के किनारे पर बसा ये शहर गुजरात की राजधानी गांधीनगर से 27 किलोमीटर तथा देश की राजधानी यानी कि नई दिल्ली से 893 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर यातायात की बात करें तो अहमदाबाद शहर जो है वो सड़क मार्ग, रेल मार्ग, हवाई मार्ग यानी कि तीनों मार्गों से जो है वो अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। नंबर एक, रेल मार्ग। दोस्तों, अहमदाबाद शहर के मुख्य रेलवे स्टेशन का नाम अहमदाबाद रेलवे जंक्शन है। इस जंक्शन में 12 प्लेटफॉर्म तथा 16 ट्रैक मौजूद है और इसका स्टेशन कोड ADI है। और अहमदाबाद जंक्शन अहमदाबाद मुंबई लाइन, अहमदाबाद दिल्ली लाइन, जयपुर अहमदाबाद लाइन, अहमदाबाद उदयपुर लाइन पर स्थित है और वेस्टर्न रेलवे जोन के अहमदाबाद डिवीजन के अंतर्गत आता है। दोस्तों, अहमदाबाद जंक्शन के माध्यम से योगा एक्सप्रेस, राजकोट एक्सप्रेस, आश्रम एक्सप्रेस, जबलपुर एक्सप्रेस, बीकानेर एक्सप्रेस जैसी तमाम ट्रेनें जो हैं वो इस अहमदाबाद शहर के माध्यम से होकर गुजरती है। नंबर दो, सड़क मार्ग। दोस्तों, अहमदाबाद शहर के माध्यम से जो है वो पूरे देश के साथ जुड़ा हुआ है। इस शहर के माध्यम से नेशनल हाईवे संख्या 8 गुजरती है जो कि सूरत को अहमदाबाद से जोड़ती है। दोस्तों, अहमदाबाद की दूरी जो मुंबई से वो 545 किलोमीटर है तथा देश की राजधानी नई दिल्ली से 887 किलोमीटर है। यहाँ पर बस द्वारा भी जो है वो अहमदाबाद शहरों में पहुँचा जा सकता है। नंबर तीन, हवाई मार्ग। दोस्तों, यहाँ का सरदार वल्लभ भाई पटेल जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो भारत के विभिन्न शहर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आदि शहरों के साथ साथ जो है वो कोलंबो, लंदन, न्यूयॉर्क विदेशों तक भी जो है वो नियमित फ्लाइटें उपलब्ध कराता है। दोस्तों, पर्यटक के दृष्टिकोण से अहमदाबाद जो शहर है वो काफी खूबसूरत है। इस शहर में कई ऐसे घूमने के स्थान है जहाँ पर पर्यटक घूमकर आनंद उठा सकते हैं। गुजरात का जो अहमदाबाद शहर है वो खूबसूरती के खजानों से पूरी तरह से भरपूर है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि वो कौन सा घूमने के स्थान है जो कि अहमदाबाद शहर में मौजूद है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नंबर एक, साबरमती आश्रम। दोस्तों, इस आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी जी ने 1915 में की थी। यहीं से गांधी जी अंग्रेजों के विरुद्ध नमक तोड़ो आंदोलन का जो है वो शुरुआत किया था अपने अनेकों सौंदर्य सेनानियों के साथ और दांडी यात्रा जो है वो यहीं से शुरू की गई थी। गांधी ने आश्रम में 1915 से लेकर 1933 तक निवास किया। जब वे साबरमती में रहते थे तो एक छोटी सी कुटिया में रहते थे जिसे आज हृदय कुंज के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, हृदय कुंज गांधी की जो है वो उनकी पत्नी कस्तूरबा जी ने भी लगभग 12 वर्षों तक निवास किए हैं। 10 मई 1963 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू ने हृदय कुंज के समीप गांधी स्मृति संग्रहालय का उद्घाटन किया। आज भी संग्रहालय में गांधी जी के खादी कपड़े, पत्र, फोटो तथा अन्य कई प्रकार के दस्तावेज जो है वो इस संग्रहालय में रखे गए हैं। आप साबरमती आश्रम में अगर जाएंगे तो वहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। आज के समय में साबरमती आश्रम जो है वो साबरमती रिवर फ्रंट पार्क के सामने स्थित है। नंबर दो, हाथी सिंह जैन मंदिर। दोस्तों, हाथी सिंह जैन मंदिर सजावट के साथ साथ जटिल नक्काशी का एक बेहतरीन मंदिर की विशेषता है। इस मंदिर का निर्माण जो है वो सफेद संगमरमर पर किया गया है। हाथी सिंह जैन मंदिर अहमदाबाद के प्रमुख जैन मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का जो निर्माण है वो 19वीं शताब्दी में रिजन व्यापारी ने किया था। यह छठी सिंह जैन मंदिर जैनों के 15वें गुरु धर्मनाथ को समर्पित है।
अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो छठे सिंह जैन मंदिर घूमना ना भूलिएगा। नंबर 3, ककरिया झील। दोस्तों, इस झील का जो निर्माण है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1451 ईस्वी में कराया था। आज के समय में अहमदाबाद के निवासियों के बीच जो है वो एक अलग अपनी पहचान के लिए प्रसिद्ध है। ये झील के चारों ओर जो है बहुत ही खूबसूरत बगीचे हैं और इस बगीचे के मध्य में एक बहुत ही सुंदर दीप महल है। यहाँ मुगल काल के दौरान नूरजहां और जहांगीर अक्सर घूमने के लिए आया करते थे। आज ककरिया झील अहमदाबाद में घूमने लायक एक महत्वपूर्ण स्थान है जो कि ककरिया लेक फ्रंट के नाम से प्रसिद्ध है। अगर आप अहमदाबाद में आ रहे हैं तो ककरिया झील घूमना ना भूलिएगा। नंबर 4, केकिलो संग्रहालय। दोस्तों, केकिलो संग्रहालय जो है, इस संग्रहालय में पुराने व आधुनिक ढंग के बुनाई की कारीगरी प्रदर्शित की गई है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ पुरानी बुनाई की मशीनें भी रखी गई है। इस संग्रहालय में रखे सामान 17वीं शताब्दी के पहले की हैं। इसके अलावा संग्रहालय में एक पुस्तकालय भी मौजूद है और ये जो संग्रहालय है वो प्राचीन वास्तुकला का एक बेहतर नमूना के रूप में विकसित हो रहा है। नंबर 5, रानी शिपरी मस्जिद। दोस्तों, ये खूबसूरत मस्जिद जो है वो रानी शिवरी के नाम से मानी जाती है। इसका निर्माण जो है वो महमूद बेडला की रानी ने 1514 ईस्वी में करवाया था। रानी के मृत्यु के बाद जो है वो उनके शरीर को इसी रानी शिकरी मस्जिद में दफनाया गया था, जो कि उन्हीं के नाम पर रानी शिकरी मंदिर मस्जिद जो है वो तैयार हुआ है। दोस्तों, इसके अलावा जो अहमदाबाद शहर में और भी कई सारे खूबसूरत स्थान है जिसकी व्याख्या एक वीडियो में करना संभव नहीं है। दोस्तों, अगर शिक्षा की बात करें तो गुजरात का अहमदाबाद शहर जो है वो शिक्षा के दृष्टिकोण से काफी बेहतरीन है। यहाँ की जो साक्षरता दर है वो 88% है, यानी कि यहाँ के जो लोग हैं वो 88% जो लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं, जिसमें कि पुरुष और महिला दोनों शामिल है। इस शहर में कई से स्कूल व कॉलेज मौजूद है, लेकिन अहमदाबाद के दो बड़े विश्वविद्यालय हैं, गुजरात विश्वविद्यालय जो कि 1949 में बनाया गया था और लाल भाई दलजत भाई भारत विद्या संस्था जो कि यहाँ के प्राचीन विद्यालय हैं। इसके अलावा अहमदाबाद यूनिवर्सिटी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, निर्मा यूनिवर्सिटी जैसे कई प्रकार के जो है वो आधुनिक यूनिवर्सिटियाँ इस अहमदाबाद शहर में मौजूद है जो कि बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षा मुहैया प्रदान कराते हैं। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि यहाँ पर उद्योगों में सूती वस्त्र उद्योग भी जो है वो काफी ज्यादा प्रचलित है। भारत के विभिन्न कोने कोने से जो लोग हैं वो अहमदाबाद के कारखानों में काम करने के लिए आते हैं। वैसे अहमदाबाद शहर जो है वो एक खूबसूरत प्यारा सा शहर भी है। दोस्तों, अहमदाबाद शहर के बारे में आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। शुक्रिया।